मैं आरती वाल्मीकि बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, और ये है ग्राम मंगरोन। बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम मंगरोन जहाँ की दलित बस्ती है, वार्ड नंबर एक। वार्ड नंबर एक की तादाद के है मकानों की करीब 50 से 60 घर, जो समस्या से पीड़ित हैं कि उन्हें शौच करने के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही शासन से चल रही योजना का लाभ, जो मर्यादा शौचालय के दौरान बना है, ना ही उनको वो योजना का लाभ मिल पा रहा है। मेरी एक बेटी है, दो बहन है, इसके लिए सबके लिए परेशानी है, सारे मोहल्ले की लड़कियों के लिए मर्यादा उल्लंघन हो रही है और होने की तलाश में जा रही है, और सब लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा है। अब हम लोग लेटरिन में जाते हैं तो गार्ड नहीं देते हैं, लड़की बिटिया चोते हैं। अब जैसे मर्द जाते हैं तो उन्होंने भी कहते हैं मानधर जो दीधारे आते हैं तुम्हारी जमीन जाएगा नहीं, तो हम लोग कहाँ जाए, सरकार के तो जाएंगे, गाली देते लड़की बिटिया की, लड़की भी जाती है तो उन्होंने भी कहते हैं भोसरी मानधर चो यहाँ पे आई है, पकड़ लेंगे हम, खेत में ले जाएंगे पकड़ के। ग्राम मंगरोन के वार्ड नंबर एक में रहने वाला किशोरी एक विकलांग है, उसकी पत्नी भी विकलांग है, जो इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। किशोरी पिछले 50 सालों से रह रहा है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी गांव में, इसी वार्ड नंबर एक में रही है और इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। टट्टी वगैरह जाते हैं तो कुड़ा कुड़ा रखने जाते तो वहाँ से पहुंची तो गेर में भरा जाते हैं, वहाँ से आखिर नहाना पड़ा हम लोगों। आपकी पत्नी का क्या नाम है? सुषमा। तो उनकी क्या है स्थिति? उनकी भी यही स्थिति है, उनको भी कुड़ा कुड़ा रखने जाना पड़ता है, कुड़ा कुड़ा रखने जाते हैं और वहाँ से उन्हें भी नहाना पड़ता है। तो वो क्यों जाती हैं कुड़ा के? घर व्यवस्था नहीं है, विकलांग है, खड़ी भी नहीं बना होता। तो आपसे पैसे किस लिए लिए गए थे, आपने कुछ जानकारी नहीं की? नहीं, उनने तो यही बताए थे हमसे कि आपकी शौचालय बन जाएंगे। तो ये किनने बताया था? सचिव ने, सरपंच ने, हम इसे चाहे थे विकलांगों को अलग से शौचालय दे रही है सरकार और हम लोगों को कुछ नहीं है। अभी दादा विकलांग हैं लेकिन इनके लिए अभी तक ना तो राशन मिल रहा है, ना विकलांग के आधार पर उनको महीना मिल रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई शासन के द्वारा यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है, ना कोई सुविधा दी जा रही है, इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से अपनी इस गांव की बात को आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बदलाव के लिए हमारे जो ब्लॉक बटियागढ़ के CEO साहब हैं वो ला सकते हैं, जिनका नाम है श्री राम गुलाम अहिरवार जी, जिनका फोन नंबर है 8120727224। मेरी प्रभावित लोगों से अपील है कि इस फोन नंबर पे फोन करें और अपना दबाव बनाएं, अपनी समस्या सुनाएं। मैं आरती वाल्मीकि बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।